ये जो आपने बातें करी पैशन प्रोफेशन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं कि पैशन के बेस पे अपने करियर को डिसाइड करें या फिर कुछ ऐसा जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, प्रूवन पाथ है। मैं कह रहा हूँ दोनों ही बकवास है। पहले अपने आप से पूछो कि मुझे लाइफ कैसी चाहिए, कि सक्सेस का मतलब एक्चुअल में क्या है, वो कभी हम अपने आप से पूछते ही नहीं है। सक्सेस का मतलब तो आपको बता दिया गया है और आपको फेथ है कि मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, ये सब फेथ है और सब बकवास है। तो यही दो पाथ हैं जो हमको समझ आते हैं और दोनों ही पाथ में मारकाट मची हुई है। देखा ही होगा आपने टेलीविजन पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये होते हैं, कितनी लाइन लगी हुई है, लाखों लोग हैं इस पैशन के पाथ पे भी और इस सो कॉल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोफेशन के पाथ पे भी, दोनों तरफ बॉन्डेज है। तो अगर उधर आप सक्सेसफुल हो भी गए तब भी आप फेल हो गए, और फेल हो तो फेल हो ही, और अगर सक्सेसफुल हो गए तो दुनिया के आगे एक मास्क लगा लोगे कि देखो मैं सक्सेसफुल हूँ, अंदर से खोखले हो। तो ऐसे पाथ पे चल क्यों रहे हो? अपने फेथ की वजह से, अपने फेथ को क्वेश्चन क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड? वेयर डू आई सी माई सेल्फ 30 ईयर्स डाउन द लाइन, 20 ईयर्स डाउन द लाइन, 40 ईयर्स डाउन द लाइन? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू आई वॉन्ट? उसको क्रिएट करो ना। और इस सब में लॉजिक का रोल है, फेथ का कोई रोल नहीं है। दूर की हम सोचते ही नहीं हैं, हम फ्यूचर को फोर्स ही नहीं करते हैं। वी हैव फेथ कि हमारा फ्यूचर बेटर होगा, बट जिस पाथ पे हम चलने वाले हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूँ। जो भी आपका पाथ है उसमें कुछ नहीं पड़ा है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं पड़ा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बट जैसे मैं आपको वो बोलूंगा आप ऑफेंड हो जाओगे। आप कहोगे अच्छा ऐसा नहीं है, देखो इस पाथ पे भी चल करके वो एक है ना, वो जो है, मैंने कहा वो अपने आपको बाहर से खुश दिखा रहा है या एक्चुअल में खुश है।